वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने राय कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आ गए आपके सामने। दो स्विच, एक 5-पिन सॉकेट स्विच बोर्ड के लिए, एक लैंप के लिए, एक 5-पिन सॉकेट के लिए। तो चलिए कैसे कनेक्शन देते हैं आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये है हमारा इस बोर्ड का कनेक्शन के लिए 10 वायर, रेड फेज के लिए, येलो न्यूट्रल के लिए। यह है हमारा लैम्प के वायर, ये देखिए, यह है हमारा लैम्प। इस लैम्प को जलाने वाले हैं हम। इस लैम्प के वायर का एक तार हम न्यूट्रल के साथ जॉइंट कर रही है। और एक वायर हम स्विच के पास दे रही है। तो ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड कनेक्शन। तो चलिए आज हम दिखाने वाले हैं आपको कैसे दो स्विच, एक 5-पिन सॉकेट, स्विच बोर्ड वायरिंग। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कैसे दो स्विच, एक 5-पिन सॉकेट वायरिंग कैसे किया जाता है। ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड का लिए, जो एक स्विच था लैम्प के लिए, ये हमने चला के देख दिया। तो ये 5-पिन सॉकेट नहीं चला क्योंकि ये इसका स्विच मैंने हम नहीं दिया। तो आप दे रही है, देखिए ये टेस्टर जल रही है, स्विच ऑफ करने पर टेस्टर निम रही है, इसलिए इसको पता चलता है ये स्विच ठीक है। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ले इस लैम्प को जला के देखिए, ये जल रही है, स्विच बंद करने पर निम रही है।